नमस्कार, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है परसेंटेजेस से। कैसे इसे अप्रोच करते हैं? पहले जो शॉर्ट तरीका देखते हैं, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हम लोग। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 20% ऑफ पी प्लस क्यू, दैट मीन्स पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 5, यही हमारा मानना है। और 50% मतलब हाफ होता है, मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं अगर, तो अब सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स शॉर्ट कहने के लिए, इसमें भी तो मैं कैलकुलेशन कर ही रहा हूँ, 2p + 2q बराबर 5p - 5q। हमें p = q निकालना है, तो हमें उधर ही इंटरेस्ट रहेगा, तो p को उधर ले जाते हैं, q को इधर, तो 7q बराबर 5p - 2p = 3p। तो p = q निकालना है, तो p/q दैट विल बिकम 7/3, क्यू इधर जाएगा, 3 इधर आएगा, दैट्स इट। लॉग मेथड में भी कुछ खास नहीं है। 20% को आप ऐसे लिखते हैं, 20/100 इंटू पी प्लस क्यू बराबर 50/100 इंटू पी माइनस क्यू, यही होता। और कुछ खास कट के तो फिर वही आना था, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, इससे बेस अगर क्लियर होगा तो फिर हम आगे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ सकते हैं। इस तरह के कैलकुलेशंस और भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए होंगे, जैसे कोई फ्रैक्शनल परसेंटेजेस होता है, तो उसका याद अगर रहे तो हम प्रॉब्लम्स को और जल्दी कर सकते हैं। बहरहाल ये सब तो आसान चीज़ें हैं, आगे बढ़ेंगे मुश्किल प्रॉब्लम्स की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद।